बाणसागर परियोजना के तहत बरही में बने छोटी महानदी पर जिसका पिलर नंबर 7 से 6 और 8 से 9 का पिलर डिफ्लेक्शन हो गया है, यानी पुल पर जो भारी वाहन से गुजरने से पुल में जो लचक कंपन आती है वो सामान्य से ज्यादा तेज लचक आ रही है, जिससे पुल पर कभी भी कोई बड़ी जनहानि या नुकसान ना हो, इससे बचने हेतु प्रशासन ने इस घटना पर संज्ञान लिया और प्रतिबंध आदेश जारी किए। बता दें कि बाणसागर व मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों का एक दल बरही के पास बने बाणसागर पुल का बारीकी से निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कटनी कलेक्टर ने आमजन को सर्वविदित सूचना जनहित में जारी की है और बाणसागर पुल पर एक बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया, जिसमें उल्लेख है कि पुल से भरी वाहन मालवाहक को निकालना आवागमन प्रतिबंधन रहेगा। सिर्फ छोटी गाड़ियां, चार चक्का मोटरसाइकिल को आवागमन की सुविधा मिल सकती है। इस पुल पर आवागमन बंद होने से भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था प्रशासन ने की। कटनी कलेक्टर अभि प्रसाद ने जन सहयोग की मांग की और बाणसागर व मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को पुल की मरम्मत हेतु निर्देशित किया। बरही को मैहर से जोड़ने वाले महानदी के पुल पर कुछ कंपन की शिकायत कल प्राप्त हुई थी, जिसके अनुक्रम में आज बाणसागर के अधीक्षण यंत्री और अन्य तकनीकी अमले ने मौके का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि जो कंपन अभी है वो सामान्य से अधिक है। सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है कि भारी वाहनों का जो परिवहन है वो तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए और मात्र छोटे वाहनों को धीमी गति पर पुल से जो है अनुमति की।